ये काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका हाइट जो है वो 8 फीट लगभग होगा और इसका चौड़ाई जो है वो 5 फीट लगभग होगा। तो वहाँ पे कैलेंडर रखा हुआ है, देखो कितना छोटा लग रहा है और ये कितना बड़ा है। दोस्तों हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों न्यू ईयर भी आ रही है और हमारा काम भी खत्म नहीं हो रहा है, बट हम लोग का काम यहाँ भी चलते रहेगा क्योंकि काफी बड़ा काम है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ऑफिस में पेंटिंग बना रखा था, जो कि ऑफिस का चाबी नहीं था उस समय, मैं नहीं दिखा रहा था आप लोगों को। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मेरा पुराना पेंटिंग है वो कैसा है। और हमारे लड़के जो हैं आज यहाँ से चले जाएंगे, कहने का मतलब वाइट वॉशिंग वगैरह जो कर रहे हैं वो आज यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो पेंटिंग जो कि कई साल पहले मैंने बनाया था, जीसस का है और काफ़ी बड़ा है। और ऑलमोस्ट दोस्तों अंदर का काम जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो हम लोग वॉल पे इमल्सन वगैरह लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं कितना वाइट दिख रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। मतलब 2 लेयर हम लोगों ने पेंट किया है। और दोस्तों सारे क्लासरूम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बस थोड़ा सा टचअप वगैरह करना है जहाँ तहाँ, उसको हम लोग कर रहे हैं। और दोस्तों इस साइड में एक मैप बना हुआ था, ये देखो, जो कि मिट चुका है, इंडिया का मैप है। और इस साइड दोस्तों मैंने काफी सारा लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और इस साइड भी दोस्तों लिखा हुआ है। मैंने उसे नहीं मिटवाया है क्योंकि दोस्तों उसे हम लोग खुद से मिटाएंगे और फिर लिखेंगे। और ये रहा HM का ऑफिस, जो कि प्रिंसिपल का ऑफिस है, और इसमें हम लोगों को भी पेंट करना है। और बहुत साल पहले मैंने जो पेंटिंग बनाया था वो ये है दोस्तों ऊपर, और जो बॉर्डर लगा हुआ है दोस्तों वो फ्रेम जैसा दिख रहा है, वो हम ही लोगों ने बनाया था, वो फ्रेम जैसा लग रहा है लेकिन फ्रेम नहीं है। तो जिस टाइम दोस्तों मैंने इसे बनाया था वो काफ़ी शानदार लगता था, अभी भी दोस्तों ये कुछ नहीं हुआ है, ना इसमें पानी पड़ रहा है ना धूप पड़ रहा है, तो ये वैसा का वैसा ही है। कहने का मतलब अभी तक ये शाइनिंग कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखो जो मैंने ये दोस्तों बाद में इन लोगों ने ये वायरिंग कर रखा है, उससे पहले ये पेंटिंग बनाया हुआ था। ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका हाइट जो है वो 8 फीट लगभग होगा और इसका चौड़ाई जो है वो 5 फीट लगभग होगा। तो वहाँ पे कैलेंडर रखा हुआ है, देखो कितना छोटा लग रहा है और ये कितना बड़ा है। और ये ऑफिस है तो यहाँ पर प्रिंसिपल बैठते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। पेंटिंग दोस्तों काफी साल पुरानी है, बट चर्च में जो मैंने बनाया रखा था पहले उसके बाद ही बनाया हुआ था, कहने का मतलब इसका भी 6 साल लगभग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ जिस पेंटिंग को अभी हम लोग बनाएंगे। तो ये रही दोस्तों वो स्केच जिसे मैं अभी पेंट करूंगा, तो मैंने जो पहले पेंटिंग था उसी पे स्केच कर दिया है। तो पहले दोस्तों किस तरह से पेंट हुआ था, अब इस बार मैं अपने आइडिया से पेंट करूंगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। पहले इसे पूरा स्केच कंप्लीट करता हूं, उसके बाद आपको फिर से दिखाता हूं।
फाइनली दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा लग रहा है। और दोस्तों ये पेंटिंग मेरा 2 घंटा में तैयार हो गया है। इनामेल पेंट से अगर आप पेंटिंग बनाते हो तो काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है, कहने का मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जल्दी जल्दी में दोस्तों ऐसा ही पेंटिंग बनता है, आप लोग को भी ऐसा ही पेंटिंग बनाना चाहिए। अगर कहीं पे जल्दी वाला काम कर रहे हैं तो इसी टाइप का पेंटिंग आपको बनाना चाहिए। तो फाइनल पेंटिंग है दोस्तों, इसके बाद इसके ऊपर से मैं कोई काम नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो पेंटिंग बनाना है मुझे, वो तो मैं आपको बाद में दिखाई दूंगा। वैसे उस साइड पे बनाना है जो कि व्हाइट किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ और एक बार। ये देखो दोस्तों, ये जो व्हाइट किया हुआ है इसमें हम मुझे बनाना है। और इस पेंटिंग से दोस्तों आपको उतना सीखने को नहीं मिला, बट ये रफ पेंटिंग है, मतलब तुरंत बन जाता है। मतलब मेरे जैसे पेंटर हैं जो कि हर हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं पेंटिंग का, स्कूल वगैरह, पंचायत वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह में, तो इसी टाइप की पेंटिंग आपको बनाना चाहिए क्योंकि ये जल्दी होता है और अच्छा भी दिखता है। मतलब कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से हम लोग निकलेंगे, तो सुमित जो है पूरा सामान को अंदर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 2 तारीख के बाद ही आएंगे दोस्तों, क्योंकि अब न्यू ईयर के लिए सब छुट्टी पे चले गए हैं, तो फादर लोग भी यहाँ से निकल गए हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे आके। तो चलिए दोस्तों अब चलेंगे घर, और घर में जो बचा हुआ पेंटिंग है, कहने का मतलब जो अनकम्प्लीट पेंटिंग है, उसे करेंगे कम्प्लीट।